खुर्सीपार थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व आईटीआई मैदान में हुए एक युवक की हत्या का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आईटीआई मैदान खुर्सीपार में बीते 7 फरवरी को हुई हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान दुर्ग पुलिस अधीक्षक BN मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक श्याम कुमार द्वारा आरोपी बलराम क्षत्रिय के निजी जीवन को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिस पर आवेश में आकर बलराम क्षत्रिय और साथी झुमन साहू ने पास में रखे पत्थर से श्याम कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर ही मृतक की मौत हो गई। वही मामले में एक और आरोपी यशवंत यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि यशवंत यादव ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। थाना खुर्सीपार में जो आईटीआई मैदान है उसमें एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें उसके जब विवेचना करने पर पता चला कि उसकी हत्या किसी के द्वारा कर दी गई थी। इस संपूर्ण मामले में थाना प्रभारी और उनके टीम के द्वारा इस CSP के सुपरविजन में इस मामले की विवेचना की गई और विवेचना के दौरान ये पता चला कि वो मृतक है, वो अपने किसी दोस्तों के साथ में घटना से पहले कहीं निकला था। इन्हीं चीज़ों को तस्दीक करते हुए ये पता चला कि उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे उसका कुछ विवाद हुआ था, और साथ ही एक गवाह भी मिला जिसने जो आरोपी हैं उनको वहाँ से जाते हुए देखा भी था। इन्हीं बातों को तस्दीक करते हुए ये पता चला कि जो आरोप झुमन साहू और बलराम क्षत्रिय ने मिलकर उसकी हत्या की थी। हत्या के पीछे जो रीजन था वो ये था कि जो मृतक है वो बलराम क्षत्रिय को कुछ पर्सनल व्यक्तिगत कमेंट करता था, जिससे वो काफ़ी चिढ़ा हुआ था और वो उसी के बदला लेने की नीयत से उसकी हत्या उसने कर दी। बाद में वो यशवंत कुमार यादव के यहाँ गए थे घटना के बाद में, उसको भी साक्ष्य जो नष्ट करने के आरोप में आरोपी बनाया गया है और इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जस्ट कुछ शराब के नशे करने के इस तरह के उनके रिकॉर्ड है, बाकी आपराधिक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं करना जो उसके बहुत उसके व्यक्तिगत कमेंट थे जिससे वो चिढ़ा हुआ था। महज 72 घंटों के अंदर पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए अपनी बेहतर कार्यप्रणाली को साबित किया है। फिलहाल 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।